नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और आप, ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, पुराना क्वेश्चन है लेकिन जानना जरूरी है, इम्पोर्टेंट भी है। बहुत बार ऐसे होता है कि आप कभी कभी यहाँ पर HTTPS डालना भूल जाते हैं, ड्राइवर डॉट गेट। मान लो कोई वेबसाइट आप ओपन करना चाहते हैं, URL या वेबसाइट कोई भी, तो आप ड्राइवर डॉट गेट www.google.co.in ओपन ऐसे लिखोगे तो क्यों नहीं ओपन होगा वेबसाइट, ये क्यों नहीं वेब ओपन होगा? तो ये इस वजह से नहीं ओपन होगा। चलिए हम लोग डायरेक्टली कोड पे चलते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोड लिख रहा हूँ। मान लो एक सिंपल सा, एक कुछ भी यहाँ पर, एक एक सेकंड, ये तो एक सेकंड, राइट क्लिक, न्यू क्लास, जस्ट सिंपल अंडरस्टैंडिंग, ऐसे मैं एक क्लास बना देता हूँ। अरे यार जल्दी हो यार, तो इतना स्लो है ना। लो भाई, इसमें उसका बुढ़ापा तो आ ही रहा है। ओके, मैं इधर जल्दी से बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वेब ड्राइवर ड्राइवर। होम ड्राइवर डॉट सेटअप, ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे ड्राइवर डॉट, मतलब इसको मैक्सिमाइज करने के बाद मैं अगर इस पे मैं अगर यहाँ पे मान लो ड्राइवर डॉट गेट, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग URL डायरेक्टली पास कर दूँ, ऐसे www.google.co.in, तो आप अगर मैं इसको रन करूंगा ना, तो आप देखेंगे कि आपका वो ओपन नहीं होगा। ये एक अजीबो गरीब एक चीज आपको दिखाई देगी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं काफी टाइम बाद इस सेलेनियम का ये रन कर रहा हूँ आज का। ये भाई साहब इतना टाइम ले रहे हैं। क्रोम ड्राइवर वॉज स्टार्टेड सक्सेसफुली, बट देखिए आपका google.co.in ओपन नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब आपने लैंग्वेज बाइंडिंग लिखा, आपने ब्राउजर ओपन कर दिया, लेकिन आप वेबसाइट ओपन नहीं कर पाए, ये यहाँ पे फंस गया। अब हम आउटपुट कॉन्सोल में देखते हैं कि ये एरर क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये एक इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट क्यों दे रहा है? यहां पर तो बोल दिया क्रोम ड्राइवर सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया। क्रोम ड्राइवर जब सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया, उसके बाद ये किस तरह का इनवैलिड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, क्यों, इसका क्या मतलब है? ठीक है, अब उसके बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको आर्किटेक्चर बताया था, मैंने ये बताया था, देखो क्रोम ड्राइवर वॉज ओपन सक्सेसफुली, यहां पे क्या लिखा है ध्यान से देखिए, क्रोम ड्राइवर वॉज स्टार्टेड सक्सेसफुली, यहां पे थोड़ी लिखा है क्रोम ब्राउजर वॉज स्टार्टेड सक्सेसफुली, मतलब ड्राइवर ओपन हो गया, तो ड्राइवर तो ओपन हुआ ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे ब्राउज, मतलब वेबसाइट क्यों नहीं ओपन हुआ क्रोम ब्राउजर पे? इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि हम आर्किटेक्चर को वायलेट कर रहे हैं। अब मैंने क्या बोला था, ये जो ड्राइवर्स हैं ये ब्राउजर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, HTTPS सर्वर के तहत इंटरेक्ट करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के तहत नहीं, WWW के तहत नहीं, HTTPS के तहत इंटरेक्ट करते हैं ना। तो टेक्निकली इसीलिए आपको सिंपल सीधा लिख दो HTTPS, बस बात खत्म, आराम से आपका कोड बढ़िया से चलेगा। देखिए फटाक से चला और आपका google.co.in भी फटाक से ओपन हो गया। बस ये सिंपल सी चीज है, ये जानना कि आर्किटेक्चर ही ऐसे किया गया है कि हमारा वेबसाइट नहीं ओपन होगा, हमारे कुछ चीजें ओपन हो जाएंगी, जैसे क्रोम ड्राइवर वॉज स्टार्टेड सक्सेसफुली। आपने पिछला जो मैंने यहाँ पे www मारा था, उसमें क्रोम क्रोम ब्राउजर तो ओपन हो गया लेकिन वेबसाइट नहीं ओपन होगा, वो इंटरेक्शन नहीं करने देगा, वो सिर्फ ब्राउजर ओपन करके छोड़ देगा।
दैट मीन्स ड्राइवर अपना काम कर रहा है लेकिन ब्राउजर में जो डेटा रेंडर होके आना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है. क्यों? क्योंकि क्रोम ड्राइवर उस पर्टिकुलर ब्राउजर के साथ वो डेटा को रेंडर करने के लिए जो उसको मीडियम चाहिए वो मीडियम उसको मिल ही नहीं रहा, तो वो यहाँ पर ही अटक गया. यहाँ पर ये तो आउटपुट वाला एरिया ना क्रोम, ये फायर, ये तो आउटपुट वाला है. आउटपुट में डेटा ही नहीं, डेटा अपने पास ही रख पा रहा है, ये डेटा भेजने की कोशिश कर रहा है लेकिन डेटा जा ही नहीं रहा क्योंकि सर्वर ही गलत डाला है हमने. इसीलिए कभी भी ये ध्यान रखना, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन आता है अगर आप यहाँ पे www डालोगे. इनवैलिड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन ये आता है अगर आप यहाँ पे www दोगे, और ये उसका फंडामेंटल है कि क्यों आता है. अगर आप https दोगे तो बराबर काम करेगा. अगर यहाँ पे मैं दोबारा www लिख दूं तो ये इनवैलिड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन देगा और सिर्फ एक ब्राउजर पेज ओपन करके छोड़ देगा लेकिन वेबसाइट नहीं ओपन करेगा. तो ये इंटरव्यू में आपको ऐसे आंसर करना है. उम्मीद करता हूँ ये सिंपल सा वीडियो लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच. सार्थक हियर साइनिंग ऑफ.